नहीं है हिम्मत की अभी और व्लॉग बनाए क्योंकि थक चुका हूँ। में से कुछ मसाजिद को शहीद करके जहाँ पे नबी सल्लम ने खड़े होके फतह का ऐलान किया था वो दिखाएंगे। आपने ये हमारे पूरे व्लॉग देखने हैं, आपको सारी जो ज्यारतें हैं वो हमारे व्लॉग में मिल जाएंगी। आज नज़र आ रहा है जनाब, ये जबल उहद है, उहद का पहाड़ है जहाँ पे हमारे 70 सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए थे। यहाँ पे हमारे नबी सल्लम ने अपने जो है तीर अंदाज जो है उनको खड़ा किया था जनाब। सारे स्टॉल इसमें दंदान मुबारक जो है उनके शहीद हुए थे वो इस मकाम पे हुए थे। और मौसम की बात करें तो मौसम मदीना का माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमार रियाज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने हमारा मदीना ट्रिप का पार्ट वन देखा होगा, अभी ये पार्ट टू शूट कर रहे हैं और हमने कुछ ज़ियारतें कर ली थी, कुछ हमारी बाकी थी। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद हंदक के बाहर जिसको सबा मसाजिद भी बोलते हैं। यहाँ पे पहले 7 मसाजिद हुआ करती थी और जिसमें से कुछ मसाजिद को शहीद करके बाद में एक ही बड़ी मस्जिद बना दी गई और कुछ मस्जिदें अभी भी बाकी हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। और मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, ये सामने जनाब आप देख सकते हैं जिधर लोग खड़े हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह, जहाँ पे नबी सल्लम ने खड़े होके फतह का ऐलान किया था। और ये जो मस्जिद है मस्जिद खंदक के नाम से मंसूब है, इसके बैक साइड पे ही खंदक खोदी गई थी, जो गजवा खंदक हुई थी आपने ये वाक़या सुना होगा, वो यहीं का वाक़या है, ठीक है जी। ये जामिया खंदक के नाम से इस मस्जिद का भी नाम है। अभी यहाँ पहुँचे हैं, अब असर की नमाज़ हम यहीं पे अदा करेंगे। असर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम पहुँचेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ, ठीक है, वो भी आपको दिखाएंगे। आपने ये हमारे पूरे व्लॉग देखने हैं, आपको सारी जो ज़ियारतें हैं वो हमारे व्लॉग में मिल जाएंगी। ये हमारे जो मदीना ट्रिप का पार्ट टू शूट हो रहा है और कुछ ज़ियारतें हमने पहले कर ली थी, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद हम जाएँगे नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ और बाद में हम इंशाल्लाह मस्जिद नबी जाएँगे, मगरिब और इशा की नमाज इंशाल्लाह वहीं पे अदा करेंगे और कल जुमा है, जुमा भी वहाँ पे अदा करेंगे। और बाकी आपने हमारा पूरा कंप्लीट व्लॉग देखना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी ज़ियारतें जनाब करवाएंगे सारी। जनाब अभी असर की अजान हो चुकी है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर हम जाएँगे दूसरी ज़ियारत पर। अभी मैं दिखा दूँ आपको, एक ये सामने मस्जिद है, ये उस टाइम सहाबा के नाम से ये उनके घर हुआ करते थे, उनके नाम से मंसूब है ये जगह, ये मस्जिद, ठीक है। और बाकी जो है वो अभी ये एक ही मस्जिद है जामिया मस्जिद के अंदर। डर न सकते थे अगर जंग में पड़ जाते थे, पांव शेरों को भी मैदान से उखाड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेल क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, जेर खंजर में ये पैगाम सुनाया। जनाब इस टाइम हम जा रहे हैं शोदाए उहद की तरफ और ये हम खड़े हैं करात माल वाले इशारे के ऊपर, ठीक है जी। मदीना वाले भाई, क्योंकि हम भी 2-3 साल मदीना में स्टिल रहे हैं तो उनको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। ये सामने जनाब करात माल है और ये सामने जनाब कचहरी अदालतें हैं, ठीक है जी। अदालतें चेक करें जी सऊदीया की, ये मदीना मनौरा की अदालतें हैं, यहाँ पर जज साहब और वकील साहब सब बैठते हैं और पाकिस्तान की कचहरियाँ फ़र्क आप खुद करेंगे। अभी जनाब हम जा रहे हैं शुदाए उहद की तरफ और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है जनाब, ये जबल उहद है, उहद का पहाड़ है।
नमाज भी पढ़ ली है, उससे पहले रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर ली थी। ज़ियारत करके बाहर निकली है तो अज़ान हो गई ईशा की, अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है, अभी बैठा हूँ सहन में। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नज़ारा है और बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का, बड़ा सुकून है, पुरसकून माहौल है यहाँ का मदीना का। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब रहा, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आए हुए हैं और अभी ज़ियारत भी होगी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली, इंशाल्लाह कल सुबह जुमा पढ़ेंगे। और क्योंकि सफ़र करके आए हैं, 4-5 घंटे की लगातार ड्राइव थी, उसके बाद भी आके कंटिन्यू जो बाकी ज़ियारतें थी वो कंप्लीट की, तो अभी बस थोड़ी देर तक निकलेंगे रूम की तरफ, रेस्ट करेंगे उस सुबह, क्योंकि जुमा है, जुमे के दोबारा है कि हरम। इंशाल्लाह आपको फिर मिलेंगे जुमे वाले व्लाग में। और ये व्लाग जो है वो इसको मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि अभी और मज़ीद नहीं है हिम्मत की अभी और व्लाग बनाए, क्योंकि थक चुका हूँ। तो इसलिए फिर इंशाल्लाह आपसे जुमे वाले व्लाग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक।